अगर आपका विद्युत कनेक्शन LMV2, LMV4 या फिर 6 की श्रेणी का है, उस पर बकाया बाकी है, तो COVID-19 एक मुश्त समाधान योजना में पंजीकरण कर काम करवाया जा सकता है। योजना में 100% तक सरचार्ज की छूट दी गई है। पंजीकरण करवाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी तक है। एक बार एक मुश्त समाधान योजना में LMV2 वाणिज्यिक, LMV4 निजी संस्थान व LMV6 औद्योगिक श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ दिया जाना है। इसके लिए इन्हें ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। उपभोक्ताओं को नवंबर 2020 तक बकाया बिजली बिल में 30% का भुगतान करना होगा, तब उनका पंजीकरण पूरा होगा। यदि किसी के बिल में कोई गड़बड़ी है तो इसे ठीक किया जाएगा। अधिशाषी अभियंताओं को पंजीकरण के 7 दिवस के भीतर बिजली बिल दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। बचा जल विद्युत वितरण निगम के मुख्य विद्युत अभियंता SK सिंह ने बताया कि COVID-19 समाधान योजना वाणिज्य एवं ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए है। इसमें आगरा फिरोजाबाद मैनपुरी में अब तक 15,971 कनेक्शन धारकों ने इस योजना का लाभ ले चुके हैं। विभाग के द्वारा अब तक इस योजना में 73% रजिस्ट्रेशन कराने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने आसान किस्त योजना की शुरुआत की थी, जिनमें घरेलू उपभोक्ताओं ने इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराकर पुराने बिल का भुगतान कर लाभ पाया है। ये इस समय जो है COVID-19 समाधान योजना चल रही है वाणिज्यिक और औद्योगिक, ये संयोजन, और ये 4A 4B कैटेगरी जो हमारी है उसके लिए चल रही है। इसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी। ये ग्रामीण और अर्बन दोनों के लिए है। तो इसमें हमारे यहाँ आगरा, हमारे इस जोन में एक तो आगरा का रूरल का आता पोर्शन, फिरोजाबाद पूरा है, मैनपुरी है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं। इसमें हमारे यहाँ कुल जो है 15,971 कनेक्शन जो है वो चिन्हित किए गए थे। हमें लक्ष्य दिया गया था इसको जो है कि इसको हमें जो पूरा करना है। इसमें अभी तक हमारी प्रगति जो है टोटल, कुछ लोगों ने तो बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही जमा कर दिया, कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा के पैसा जमा किया है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है, पैसा भी जमा कर रहे हैं। तो इसमें हमारी प्रगति है अभी 73%। ये पिछले साल ये उठी, ये थी नहीं इस कैटेगरी में। ये चूँकि ये सरकार ने ये जो कोविड की वजह से पहले एक्चुअली हमारी एक वो चल रही थी ना योजना, आसान किस्त योजना, ये जो है तो वाणिज्यिक में चूँकि इन लोगों को नहीं मिली थी, वाणिज्यिक औद्योगिक इन लोगों की डिमांड थी, कोविड का हमें कोई लाभ नहीं दिया गया, तो इसलिए इनको ये जो है वो स्कीम लाई गई थी। विद्युत चोरी के मामले में तो FIR करते हैं। अब तक कुछ FIR तो अब जनपद वाइज जो सूची थोड़ा भी समय पर निकलवानी पड़ेगी, तो अगर डिटेल चाहिए तो निकलवा ले। 31 जनवरी तक उपभोक्ता पंजीकरण करा सकते हैं, 28 फरवरी 2021 तक बकाया भुगतान जमा करना होगा, तभी उनको योजना का लाभ मिलेगा। निर्धारित अवधि में बकाया ना चुकाने पर सरचार्ज माफी का लाभ नहीं मिलेगा। बकाया ना चुकाने पर पंजीकरण के समय जमा धनराशि में ₹2,000 की कटौती कर ली जाएगी। बिजली पर लगा ब्याज दोबारा जोड़ दिया जाएगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए अरविंद शर्मा के साथ शैलेंद्र की रिपोर्ट।